Creating a Barbie inspired look can be fun and playful. Hey guys, welcome back. If you're new here, my name is Mehvish. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share Barbie inspired makeup look and which emphasize on bright colors and a touch of glamour. Here is a step-by-step guide to help you achieve the iconic Barbie look. So if you're ready, let's jump straight in the video. So this one is the closure of this eye look, and इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ जो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, ये टी वी पार्लर कॉस्मेटिक्स की 3-in-1 आई शेडो पैलेट है. और इसमें मैंने सबसे पहले जो शेड पिक किया है वो किया है मैंने लाइट पिंक शेड फॉर ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइटर ही होता है. और मैंने इस लुक को बहुत खूबसूरत सा एक यू कैन से कि बड़ा अट्रैक्टिव सा मैंने इसको क्रिएट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो कलर पिक किया है ट्रांजिशन के लिए वो लाइट पिंक है लगाया है. उसके बाद इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, एंड उसके बाद फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन की, और उसके साथ अब मैं इसकी अगेन क्लीन ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा डार्कर आई शेडो के साथ हम ट्रांजिशन पर नहीं जाएंगे. उसके बाद इस पैलेट में से मैंने डार्क पिंक शेड लिया है, एक थोड़ा सा लाइट पिंक शेड एंड थोड़ा सा मूव शेड, इन तीनों को मैंने ब्रश पे मिक्सअप किया है. एंड उसके बाद मैंने इसको आउटर वी पे लगा लिया है, और उसकी मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ. आउटर वी के ऊपर ब्लेंडिंग करनी है और अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, और उसका जितना भी आपने ब्लेंडिंग है उसको बाहर की तरफ ले जाके इसके स्ट्रोक्स जो हैं वो आपने क्रिएट करने हैं, और इसको अंदर की तरफ हम बिल्कुल भी लेकर नहीं आएंगे. और जितना हमें रिक्वायर्ड है जस्ट एक वी क्रिएट किया है, और उस वी को ही अब हम मज़ीद जो है वो ब्लेंडिंग उसकी करते जाएंगे. यहाँ पे क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं इसकी यहाँ पे मज़ीद ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही खूबसूरत जो है ये मेकअप लुक पॉपअप होगा. उसके बाद मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर और अप्लाई किया है, और इसके बाद इसकी अच्छे से एप्लीकेशन के बाद इसकी जो है मैं मज़ीद यहाँ पर जो है वो ब्लेंडिंग ऑफ कैमरा कर चुकी थी. और अब मैं यहाँ पर जो बाकी का मेरा आईलिड है उस पर मैं लाइट पिंक शेड जो है मैट आई शेडो अप्लाई करी हूँ, और अच्छे से इसको मैंने अप्लाई करना है. और उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगी. लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, यानी कि आपके आउटर वी पे भी जो आप आई शेडो अप्लाई करेंगे उससे लाइटर हम इनर वाली साइड के ऊपर आईलिड के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे. उसके बाद मैं यहाँ पे इस पैलेट में से सिल्वर आई शेडो ले रही हूँ, और जहाँ पर मैंने मैट आई शेडो अप्लाई किया था लाइट पिंक उसके ऊपर मैं इस मेटालिक आई शेडो को जो है वो यहाँ पर अप्लाई करी हूँ. और विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर, इसका बहुत अच्छा पिगमेंट है इस पैलेट का, चाहे आप ब्रश से अप्लाई करें या चाहे फिंगर के साथ अप्लाई करें, इस आई शेडो पैलेट का जो पिगमेंट है वो bomb.com है, रियली बहुत नाइस है. मुझे ये एज अ पीआर रिसीव हुई थी 3 ईयर्स पहले की बात है. उसके बाद मैंने जो है मज़ीद इस ब्रांड का कुछ और अभी मज़ीद ऑर्डर नहीं किया. और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ ये वाला मज़ीद इसको इन्हेंस करने के लिए आउटर वी के ऊपर आई शेडो अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डेप्थ और क्रिएट करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करी हूँ, और उसके बाद मैं इसकी साथ साथ जो है वो ब्लेंडिंग भी करती जाऊँगी. मुझे बहुत सारा अप्लाई नहीं करना था, बट थोड़ा सा हिंट ऑफ ताकि मज़ीद थोड़ी सी और डेफिनेशन जो है उसमें क्रिएट हो जाती. सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है. और उसके बाद अब मैं इसकी फाइनली क्लीन ब्रश की हेल्प से जो है वो ऑफ कैमरा मज़ीद ब्लेंडिंग कर चुकी हूँ, और अब मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करी हूँ. APK की यहाँ पे हाईलाइटर पैलेट मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ. ब्रोबोन को हाईलाइट कर लिया, और इनर कॉर्नर को ऑफ कैमरा हाईलाइट कर लिया, और यहाँ पे मैं अप्लाई करी क्राइलॉन का पैनकेक आईलाइनर विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्लीक सा ये ब्रश है, और ये मेबेलिन का आईलाइनर के साथ एक ब्रश आता है, ये वो वाला ब्रश है. और इसके साथ मैं यहाँ पर अपनी आईलाइनर को यहाँ पर अप्लाई करी हूँ. यहाँ पर मैंने जो है विंग आईलाइनर क्रिएट किया है, और बहुत खूबसूरती के साथ इसमें आप विंग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा इससे विंग क्रिएट हो जाता है. और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो है विंग क्रिएट करने के बाद अप्लाई करूँगी एक बहुत खूबसूरत सा बार्बी लुक में एक आईज़ को इन्हेंस करने के लिए वाइट जो काजल है उसको, और यहाँ पे थोड़ी सी आईज़ मज़ीद बिगर दिखाने के लिए. और यहाँ पे मैं वाइट काजल अप्लाई करी हूँ क्लाइजोना का. उसके बाद मैं यहाँ पे अब जो है लोअर लैश लाइन को यहाँ पे पिंक आई शेडो के साथ मैं मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे इसको अप्लाई करी हूँ. इस आई शेडो को मैं अप्लाई करी हूँ जो कि मैंने सबसे पहले अपनी क्रीज पे लगाया था. एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग बहुत मेरा फेवरेट वाला मस्कारा एसेंस का,
और आप अपनी चॉइस के हिसाब से मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। फॉल्सीज अप्लाई करने से पहले इसकी एप्लीकेशन मस्ट है ताकि आपकी लैशेस का जो है एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, ताकि जब आप आई लैशेस को अप्लाई करें तो वो बहुत खूबसूरती के साथ इसके साथ मिक्स हो जाए और कहीं से भी जो है वो रखी हुई ना लगे। और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया आई लैशेस को, उसके बाद मैंने फेस को जो है वो ऑफ कैमरा क्लीन कर लिया था, मॉइस्चराइज़ कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर मैंने क्योंकि मैट मेकअप लुक करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे मेबेलिन का प्राइमर जो है अप्लाई कर लिया था। एले गर्ल की ये वाली फाउंडेशन एंड ये जो ब्राइडल बेस है इसको मैं मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्राइडल बेस को अप्लाई किया है, उसके बाद मैं लिक्विड फाउंडेशन के साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी कवरेज थी एंड ये मेकअप लुक मैंने विदाउट एसी जो है फिल्म की है, सिर्फ एक फ़ैन के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड बाय गॉड इस मेकअप लुक में कहीं से भी मेरी फाउंडेशन क्रैक नहीं हुई, कहीं से भी जो है इसका कोई भी पैच क्रिएट नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ये फेस के ऊपर सेटल हुई है और कहीं से भी इसका कोई ब्रेकआउट टाइप जो है यहीं क्रिएट हुआ। अब मैंने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया बट मैंने अभी इसको पाउडर से सेट नहीं किया, मैं इससे पहले एप्लीकेशन करूँगी कंटूर की। और यहाँ पे आज मैं नोज़ का कंटूर फिंगर के साथ कर रही हूँ, बाकी मैंने ब्रश के साथ अप्लाई कर लिया है। और नोज़ को थोड़ा सा स्लीक दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप लोग चाहते हैं तो आप अपने स्लीक ब्रशेस के साथ भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इसकी जितनी अच्छी एप्लीकेशन फिंगर्स के साथ होती है इतनी अच्छी ब्रशेस के साथ भी नहीं होती है। ये सेम मनीसो के ब्रशेस जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे कि ये बहुत अच्छे एंड वर्थ बाइंग ब्रशेस हैं फॉर कंटूर। एंड इसके अलावा इनके एक दो ब्रशेस और साथ फ्री का सेट आता है, बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस के ऊपर और इसकी मैं ये जो है अपवर्ड साइड पर जो है इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ ये पाउडर, ये कंटूरिंग को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे पाउडर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा फेस पे पाउडर अप्लाई नहीं किया, फेस को सेट मैंने नहीं किया था। अब मैं इस फेस को कंटूरिंग के बाद जो है सेट कर रही हूँ, हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी मैंने कंटूरिंग की थी। और उसके बाद मैं फॉरहेड के ऊपर इस वाले ब्रश को जो है पाउडर को जो है वो अप्लाई करी हूँ। एंड जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंटूरिंग को हाईलाइट करने के लिए पाउडर लगाया था उसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन कर ली मैंने। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ ब्लशर। 3-in-1 पैलेट से ही मैंने आज ब्लशर लिया है, इनके बहुत पिगमेंटेड ब्लशर्स हैं, हाथ रोक कर लगाने पड़ते हैं। मेडोरा की फुशिया लिपस्टिक मैं यहाँ पर एज अ बुलेट लिपस्टिक पहले यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ग्लैमरस फेस की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड फुशिया। बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन bomb.com था। सबसे पहले आप मैट लिपस्टिक बुलेट अप्लाई किया करें, उसके बाद आप यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक मैट में अप्लाई किया करें, बहुत खूबसूरत इसका टर्न आउट होता है और कहीं से भी ये लिपस्टिक अपनी जगह से नहीं हिलती है जब तक कि आप लिपस्टिक को ख़ुद ना रिमूव कर लें, ये ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक आपकी बन जाती है। सो ये वाला हैक आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग जो है डेफिनेटली जाएगी। एंड हेयर इज़ माई फिनिश्ड लुक, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप। ऑल्सो माई सोशल लिंक्स आर राइट डाउन बिलो इन दिस वीडियो। आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू सून विद यू ब्रांड न्यू वन। बाय गाइज।